जीएसटी इनवॉइसिंग एंड फाइलिंग करना है आसान। बुककीपर के साथ 1 लाख बिजनेस ओनर्स का भरोसेमंद साथी। आज ही ऐप डाउनलोड करें और पाएं 14 दिन फ्री ट्रायल। दिल्ली चुनाव का समापन हो चुका है, नतीजे भी सबके सामने आ चुके हैं। बीजेपी के लिए ये नतीजे काफी निराशाजनक हैं। चलिए आज दिल्ली तक आपको बताएगा कि किन वजहों से बीजेपी को राजधानी में कुछ ही सीटों से संतोष करना पड़ा और क्यों मिली इतनी करारी हार। पहला नाम इस विलन की लिस्ट में है प्रवेश वर्मा का। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं प्रवेश वर्मा। वजह, शाहीन बाग पर दिया था विवादित बयान। इस बयान ने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ओखला सीट पर बीजेपी को 77,000 वोटों से हार मिली। शाहीन बाग भी ओखला सीट में ही आता है। दूसरा नाम है इस लिस्ट में अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। कुछ वक्त पहले तक बीजेपी के अध्यक्ष भी थे। दिल्ली का चुनाव पूरी तरह अमित शाह के कंधों पर था। दिल्ली चुनाव में गृहमंत्री वोटर्स में वो भरोसा नहीं जगा सके जो एक साल पहले लोकसभा चुनाव में जगा पाए थे। वजह, इन्होंने दिल्ली चुनाव में सीएए को मुद्दा बनाने की कोशिश की। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रोटेस्ट करने वालों को देश विरोधी साबित करने की भी कोशिश की। तीसरा नाम अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर बीजेपी में बड़ा नाम है। 27 जनवरी को एक रैली में अनुराग ठाकुर ने भीड़ से लोगों को भड़काने वाले नारे भी लगवाए थे। वजह, शाहीन बाग पर दिया था विवादित बयान, जिन्हें उनकी खुद की पार्टी भी डिफेंड नहीं कर सकी। चौथा नाम कपिल मिश्रा। वजह, विवादित ट्वीट। कपिल मिश्रा ने भी NTCA प्रोटेस्ट करने वालों की तुलना पाकिस्तानियों से करते हुए 25 जनवरी को ट्वीट किया और लिखा कि 8 फरवरी को दिल्ली में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला है। इस ट्वीट को इतना क्रिटिसाइज किया गया कि ट्विटर ने भी कपिल मिश्रा का ये ट्वीट हटा दिया। कपिल खुद मॉडल टाउन से 11,133 वोट से हार गए। पांचवा नाम मनोज तिवारी। वजह, कम मैच्योर बयान। मनोज तिवारी को 2016 में दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया था। तभी से दबी दबी बात तो थी कि अब 2020 में मनोज तिवारी ही बीजेपी के CM कैंडिडेट होंगे। मनोज तिवारी की सोशल मीडिया एक्टिविटी के चलते उनकी नॉन सीरियस किस्म की इमेज बनी। ट्विटर वाली प्रेजेंस जमीन पर दिख भी नहीं सकी।